Dear students, good morning. I hope you all are well. Welcome in MM Bright Future Classes channel. Ko like, share and subscribe kare. Today we read the book of English, chapter number 3. Chapter name Mono's Alarm Clock. बेटा हमने लेसन थर्ड को प्रीवियस डे पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि मोनू होता है वो एक स्टूडेंट्स का नेम होता है उसका टी उसके टीचर होती है मिसेस गुप्ता तो स्टूडेंट्स पर डे लेट स्कूल जाता है तो टीचर उसको बार बार बोलता है तो बच्चा एक ही रीजन बताता है कि मैं मतलब कि लेट उठता हूँ जाग जल्दी नहीं आती तो उसके टीचर ने बोला कि आपको एक अलार्म की नीड है तो बच्चा टीचर के कहने पर अलार्म खरीद लेता है तो उसके बाद बेटा वो मतलब कि एक टाइम पे उठता है और फिर टाइम पे स्कूल जाने लग जाता है इस तरह की बातें हमने लेसन के अंदर पढ़ी थी तो उसमें से बेटा कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड थे आज हम उनको थोड़ा है इजी लैंग्वेज में लिखा है आज हम उनको पढ़ेंगे ऑलवेज हमेशा क्योंकि वो हमेशा ही लेट जाता था ना स्कूल लेट देरी से था ना अगेन दोबारा बार बार आता था मतलब कि दोबारा गेट अप उठ जाओ नीड जरूरत टीचर ने बोला था ना तुझे नीड है किसकी एक अलार्म क्लॉक की अलार्म क्लॉक क्या होता है बेटा अलार्म क्लॉक लेसन के नेम से हमें पता चलता है कि मोनोज अलार्म क्लॉक यानी कि मोनो की अलार्म घड़ी अलार्म क्लॉक का नाम क्यों दिया क्योंकि उसे वो लेट उठता था टीचर ने उसको बोला नीड है तो वो परचेज कर लेता है अलार्म क्लॉक और फिर वो है ना अपने टेबल के पास रखता है अपने बेड के पास टेबल होता है उसके ऊपर रखता है अलार्म क्लॉक को इसलिए उस लेसन का नेम भी अलार्म क्लॉक ही दिया मोनोज अलार्म क्लॉक बाय खरीदा मतलब कि उसने खरीद करी उसकी फेस चेहरा फनी मजेदार उसका चेहरा मतलब कि जो अलार्म के लोग का पर चेहरा था उसका फेस था वो किस तरह से था एक फनी किसकी तरह लग रहा था फनी भी एक मंकी की तरह रिंग्स बजा यानी कि बज रही थी ना वो बैल लाउडली जोर जोर से जब उसने अलार्म लगाया मतलब कि अलार्म क्लॉक के अंदर तो मतलब कि वो रिंग्स कर रहा था लाउडली रिंग्स लाउडली जोर जोर से बजना रेडी तैयार हो जाता है क्विकली जल्दी से रीच पहुंचा अर्ली सिगरेट वो कब उठ गया नेवर कभी नहीं तो उसने लास्ट में बोला था ना कि स्टूडेंट्स कि मतलब मैं वो कब उठा था वो फिर नेवर उसने क्या बोला था लास्ट के अंदर कि आइंदा बाद की मतलब आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल मैं स्कूल के लिए कभी भी लेट नहीं होऊंगा तो दीज वर्ड्स मीनिंग राइट इन द नोटबुक्स If you have any problem, please send me message. Thanks. Have a nice day, students.